गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास फर्स्ट। तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम मछली रानी कविता। जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी में पार्ट पांच चल रहा है, जो कि है बड़ी ई की मात्रा। उसी में सबसे पहले हमने बड़ी ई की मात्रा को पढ़ना सीखा था। हमने देखा था कि कैसे वर्ण के पीछे जब बड़ी ई की मात्रा लगती है, उसका उच्चारण किस तरह से बोला जाता है, उसे लिखा किस तरह से जाता है। हमने कुछ वाक्य भी पढ़े जो ई की मात्रा से बने हुए थे, और कुछ उसमें से सवाल भी किए। फिर पिछले वाली क्लास में हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था एक थी, जैसे एक थी मकड़ी, ये वाली कविता हमने पढ़ी थी। एक थी मकड़ी रहती थी अकड़ी, एक थी मछली रहती थी गीली, एक थी लीची थी बड़ी मीठी, एक थी मीरा खाती थी खीरा, और एक थी नानी कहती थी कान। इस तरह से हमने एक ई की मात्रा वाली कविता पढ़ी। उसके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए, जैसे मछली कैसी रहती थी, मछली गीली रहती थी, मीरा क्या खाती थी, खीरा, और सही शब्द पर गोला लगाओ। जो बड़ी ई वाले शब्द थे, जो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द थे, वो शब्द सही थे और हमने उन पर गोला लगा। आज क्लास में हम पढ़ेंगे मछली रानी नाम की कविता, तो इसको पहले पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो कविता है, ये भी एक बड़ी ई की मात्रा से मिलकर बनी कविता है, तो इसे पढ़ते हैं। मछली रानी, मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर आती सीप लाती गीत गाती। तो एक मछली रानी थी, मछली रानी, मछली रानी, वो क्या करती थी, पीती रहती हरदम पानी, यानी हर समय वो पानी पीती रहती थी। इधर आती उधर जाती, यानी वो पानी के अंदर कभी इधर जाती तो कभी उधर आ जाती। सीप लाती और गीत गाती, हरी और नीली पीली रहती वह गीली गीली। तो मछली कैसी थी, हरी रंग की, नीली रंग की और पीली रंग की। रहती थी वह गीली गीली, और वो हमेशा कैसी रहती थी, एकदम गीली गीली, क्योंकि वो पानी में रहती थी। पानी में वह इठलाती इधर उधर वह आती जाती, और जब वो मछली पानी में होती तो बहुत ज्यादा इठलाती, यानी बहुत ज्यादा इतराती, और इधर उधर वह आती जाती, और इधर उधर वो पानी में आया जाया करती। मीठा मीठा गाना गाती, पीपी पीपी सीटी बजाती, और वो कैसा गाना गाती थी, एकदम मीठा गाना, और सीटी बजाती थी, किस तरह से, पीपी करके। हाथ लगाओ वह डर जाती, बहता पानी इसका साथी, और जब मछली को हाथ लगाते तो वो डर जाती, और जो बहता पानी, यानी जो पानी जो चलता रहता है, बहता रहता है, वो उसका साथी होता है मछली का। तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। मछली रानी, मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर जाती सीप लाती गीत गाती, हरी और नीली पीली रहती वह गीली गीली, पानी में वह इछलाती इधर उधर वह आती जाती। मीठा मीठा गाना गाती, पीपी पीपी सीटी बजाती, हाथ लगा हुआ डर जाती, बहता पानी इसका साथी। तो ये हो गई हमारी एक ई की मात्रा की कविता जिसका नाम था मछली रानी। तो अब ज्यादातर शब्दों में आप जो है ई की मात्रा को देख सकते हो। जैसे देखो, मछली शब्द है तो उसमें भी आपको ई की मात्रा देखने को मिलेगी, जैसे मछली रानी, मछली रानी, फिर पी टी, तो दोनों में ही ई की मात्रा जुड़ी हुई है, बड़ी की मात्रा, और आपको पीछे सुनाई भी दे रही है। रहती पानी, फिर इधर आती उधर जाती, सीप लाती गीत गाती, हरी नीली पीली रहती गीली 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 गीली, और फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट हो जाएगा मीठा गाना गाती, पीपी पीपी सीटी बजाती, हाथ लगा हुआ डर जाती, बहता पानी इसका साथी। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ी। अब इस पाठ के कुछ जो कवि हैं, देख रहे प्रश्न क्या है, प्रश्न है, शब्दों के स्टिकर चिपका कर उनका उनके घरों से मिलान करो। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रहे हैं, उनको आपको पहले तो उनके स्टिकर चिपकाने, स्टिकर कहाँ पर मिलेंगे, आपकी जो हिंदी की बुक है उसके पीछे आपको इसके स्टिकर मिल जाएंगे, वहां से लेकर आपको यह चिपकाने। तो सबसे पहले मकड़ी, यानी मकड़ी का चित्र आपको चिपकाना है, स्टिकर चिपकाना है। फिर है चिड़िया, चिड़िया, अब चिड़िया का स्टिकर आपको यहाँ पर चिपकाना है। फिर है ही
हिरन, हिरन का आपको यहाँ पर चिपकाना है स्टिकर, और मछली, मछली और मछली का आपको यहाँ पर स्टिकर चिपकाना है। तो कैसे चिपकाएंगे वो आप समझ गए, आप जो लाइन है वहां पर चिपका देने हैं। अब मिलान कर देते हैं, तो मकड़ी कहाँ रहती है, मकड़ी रहती है जाले के अंदर, हम मिलाएंगे जाले पर। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में, तो हम घोंसले से तीर का मिलान कर देंगे। हिरन कहाँ रहता है, जंगल में, तो जंगल से हम इसका मिलान कर देंगे। और मछली कहाँ रहती है, तालाब में, तो तालाब से हम इसका मिलान कर देंगे। तो मकड़ी रहती है जाले के में यानी जाले के ऊपर, चिड़िया रहती है घोंसले में, हिरन रहता है जंगल में, और मछली रहती है तालाब में। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, वाक्य। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वाक्य पूरे करने हैं। तो देखो पहला है क, क है रहती हरदम पानी, तो रहती हरदम पानी में कौन रहता है हमेशा पानी में, तो हम लिखेंगे पीती रहती हरदम पानी, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था, क्या करती थी वो, पीती रहती हरदम पानी। उसके बाद सीप लाती गीत गाती, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गीत, सीप लाती गीत गाती, और फिर घ हो जाएगा खाली जगह, वह गीली गीली, तो हम लिखेंगे रहती वह गीली गीली, रहती वह गीली गीली। तो बातें पूरे करेंगे, पीती रहती हरदम पानी, सीप लाती गीत गाती, रहती वह गीली गीली, यानी कौन गीली गीली रहती थी, हमेशा मछली। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करो। उनको मिलान कर, तो पहला है मछली, तो मछली पानी होती है, रानी होती है, लाती होती है या सीटी होती है, तो हम लिखेंगे मछली रानी। उसके बाद मीठा पानी, मीठा लाती या मीठा सीटी, तो हम लिखेंगे मीठा पानी, तो मीठा से हम पानी से हम इसका क्या करेंगे, मिलान करेंगे। फिर हम लिखेंगे पीपी लाती या सीटी, तो पीपी सीटी, तो कैसे गाती थी मछली, सीटी, पीपी पीपी सीटी बजाती। और फिर होगा सीप, सीप का मिलाएंगे लाती से, सीप लाती है ना, गीत, सीप लाती गाना गाती यानी गीत गाती, तो मछली रानी, मीठा पानी, पीपी सीटी, सीप लाती, तो इस तरह से मिलान करता है। अब किस तरह से इन प्रश्नों को करेंगे आप अपनी कॉपी में, वो मैं आपको बता देती हूँ। अपनी जो कक्षा लिखेंगे है ना, कक्षा लिखेंगे मछली रानी, आप बताइए, सबसे पहले लिखेंगे कक्षा कारी, और फिर लिखेंगे मछली रानी, है ना, कविता का नाम लिखेंगे मछली रानी। उसके बाद प्रश्न आपको नहीं पाओगे इसमें स्टिकर चिपकाने, तो बुक में ही चिपका कर ये प्रश्न जो दो है वाक्य पूरे कर, ये आपको नोटबुक में करना है, किसमें करेंगे, नोटबुक में ये आपको करना है। क्या करेंगे, पीती रहती हरदम पानी, सीप लाती गीत गाती, रहती वह गीली गीली, तो नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। फिर मिलान करो वाला प्रश्न भी आपको नोटबुक में करना है, कैसे करेंगे, प्रश्न लिखेंगे मिलान करो, फिर लिखेंगे मछली, उसके सामने लिखेंगे पानी, मीठा के सामने लिखेंगे रानी, पीपी के आगे लिखेंगे लाती, और सीप के आगे लिखेंगे सीटी। मछली को मिलाएंगे रानी से, मीठा को मिलाएंगे पानी से, पीपी को मिलाएंगे सीटी से, और सीप को मिलाएंगे लाती से। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न आपको जो अपनी हिंदी की नोटबुक है उसमें करने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का वर्क हो गया, घर पे बैठकर आपको ये करना है। मछली
यानी ये भी याद करनी है, इसको भी पहले याद करना है, सीखना है ई की मात्रा को, और फिर इस पार्ट के यानी इस मछली रानी की जो कविता है उसके क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करने जो मैं जो आंसर है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उन प्रश्नों उत्तरों को करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, जो काम मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ आ गया होगा, और जो भी काम आपको मैंने बताया है वो आपको नोटबुक में करना है। प्रश्न एक जो है वो आपको सिर्फ अपनी जो बुक है उसमें ही करना है, नोटबुक में करना नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।